अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? आप सबको दसवीं रोज़ा मुबारक। आज 10 रोज़ा माशाल्लाह हम लोग सबका कंप्लीट हो गया है। तो आज सबको दसवीं रोज़ा मुबारक। आज मैं कुछ खास नहीं बना रही हूँ, आज मिनी समोसा बनाऊंगी, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आलू के और छिमी मटर के मिनी समोसा बनाऊंगी। वो कैसे, ये मेरा देखिए, ये आलू है, इसको मैं कट करके रखी, ये बड़े बड़े आलू हैं, ये मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। ये मेरा 300 ग्राम से भी ज़्यादा आलू है, उसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दी हूँ। ये देखिए, ये मेरा प्रेशर कुकर है, इसको मैं पानी डालूँगी। बज रहा है, हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत तेज़ का बारिश हो रहा है। बस थोड़ा सा मैं इसको बस नमक दे के मुझे बॉयल करना है। ये देखिए, मैं गैस को चढ़ा चुकी हूँ, गैस में ऑन कर दी हूँ प्रेशर कुकर। ये छिमी मटर है, थोड़ा सा छिमी मटर भी मैं डालूँगी, एक साथ बॉईल हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा मैशी मटर को भी थोड़ा मैश कर देना, इसको मैं डाल दी हूँ सब। और नमक डालूँगी, थोड़ा सा नमक डाल के मैं बॉईल करूँगी। एक चम्मच नमक डाली, एक चम्मच नमक डाली। 3 सीटी होगा काफ़ी है, 3 सीटी में एकदम आलू आपको बॉईल होगा। मैं उसको अच्छे से लगा। और ये मेरा मैदा है, ये देखिए मैदा है, ये मैदा मैं लूँगी जिसका मैं इसका समोसा में जो पैटी बनाऊँगी। बहुत तेज़ का बारिश हो रहा है माशाल्लाह, हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश हो रहा है। ये मैं 1 गिलास मैदा ले रही हूँ, देखिए मैदा मैं 1 गिलास ले रही हूँ, 1 गिलास भर के मैं मैदा ली हूँ। इसमें मैं नमक डालूंगी, 1/2 स्पून नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं, 1/2 चम्मच मैं नमक डालूंगी। थोड़ा सा खाने का सोडा डालूंगी इसमें, 1 पिंच मैं डाली हूँ खाने का सोडा। थोड़ा सा काला ज़ीरा मैं डालूंगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1 पिंच काला ज़ीरा। ये देखिए, ये काला ज़ीरा है 1 पिंच। माशाल्लाह बहुत तेज़ का बारिश हो रहा है, बहुत तेज़। इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डालूंगी मैं, दो चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच काफ़ी है। इसको अच्छा से सब चीज़ डालने के बाद इसको अच्छा से हाथ से, आप इसको देखिए हाथ से उसको ऐसा सा कर लिया, जितना ये होगा तो उतना अच्छा खास्ता होगा। इसको हम लोग खास्ता करते हैं, इसको बोला जाता है खास्ता। जो अच्छा से फिर आपका जो समोसा जो बनेगा बहुत अच्छा क्रंचीनेस में आएगा। ये ऐसा सा कीजिएगा, तेल को आपको मैदा में ऐसा सा मिला देना पड़ेगा, तो उसे पानी सुसुम गर्म करना पड़ेगा। ये देखिए मेरा पानी गर्म हो गया, मैं गैस बंद कर रही हूँ, ये पानी गर्म हो चुका है। ये मैदा है जिसमें मैं डालूंगी, मैं गैस को बंद कर दी हूँ, 3 सीटी हो गया है। ये गरम पानी डाल के इसको चम्मच से, क्योंकि पानी तो गरम होता है, इसको आप हल्का हल्का कीजिएगा। ये देखिए कितना जोरों का बारिश हो रहा है हमारे यहाँ, जोरों का बारिश हो रहा है माशाल्लाह। बिजली का इतनी आवाज़ सुन ही रहे होंगे। पौधा, ये पता नहीं कौन सा, ये फूल का गाछ निकल रहा है, ये मेरा नींबू का है, इस गाछ का पत्ता झड़ गया। ये देखिए, ये नया फ्लावर है, पीकॉक फ्लावर है, ये रात में खिलता है। ये मेरा एलोवेरा का है, आज मैं की हूँ उसका नया, सब गाछ को अलग पॉटिंग की हूँ। ये भी देखिए, ये सारा फ्लावर्स है। ये मेरा पुदीना का पेड़ है, इतना अच्छा से बारिश हो रहा है, ये देख लीजिए। और मैं यहाँ हूँ खड़ी होके, अपने खिड़की पे खड़ी होके हूँ, आप सबको अपना वेदर दिखा रही हूँ कि ये बारिश, इतना ज़ोरों का बारिश हो रहा है। ये देखिए, ज़ोरों से, खूब ज़ोरों से, काफ़ी ज़ोरों से हुआ, आवाज़ सुन रहे हैं बिजली गरजने, कितना ज़ोरों का हो रहा है। आज 10 रोज़ा हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। ये मैं खिड़की बंद कर रही हूँ, बहुत ज़ोर का बारिश हो रहा है।
ये देखिए मेरा स्पाइडर प्लांट माशाल्लाह कितना अच्छा से बड़ा हो गया काफ़ी। ये मनी प्लांट देखिए, आज सबको मैं खाद डाली हूँ, सारे गाछ में खाद डाली हूँ, खुद से मैं की हूँ। यहाँ देखिए सारे ऐसे फ्लावर, ये सीजनल है, अभी भी ये मेरा पर्व चल रहा है। जोरों का बारिश हो रहा है। ये देखिए मेरा प्लांट, ये तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जोरों का बारिश हो रहा है, बहुत जोरों का बारिश हो रहा है, ना जोरों का बारिश हो रहा है। देखिए जस्ट छूटा है, धूप निकला है, लेकिन बादल गरज रहा है अभी भी, धूप हल्का हल्का धूप आ गया है लेकिन बादल गरज रहा है। देखिए ना, और मेरा आटा हो गया है, ये देखिए, ये समोसा का आटा मैं साल ली, बहुत अच्छा से देखिए कितना अच्छा से सॉफ्ट हुआ है। ये देखिए अच्छा से इसको तो एकदम नरम बनाना है, ठीक है। अब इसको ज़रा सा तेल लगा के इसको मैं ढक दूँगी, थोड़ा देर के लिए इसको ढक के रखूँगी। ये मेरा रिफाइन ऑयल है, मैं ऊपर से इसको लगा दे रही हूँ। ये देखिए मैं ऊपर से इसको लगा दी, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी। मेरे आलू हो गए हैं, ये रहा, इसको मैं ढक दूंगी। मैं कुकर चला चुकी हूँ क्योंकि काफ़ी मेरा लेट 3 बज गया है, मुझे खाना बनाना जल्दी जल्दी। ये कुकर मेरा गर्म हो गया है, इसमें मैं तेल डाल दी हूँ, गोश्त चढ़ाऊंगी मैं। भिंडी गोश्त आज बनाऊंगी, आज का डिनर। ये देखिए भिंडी को मैं धो के इसको कट करके अच्छा से रखी हूँ, उसको फ्राई करूंगी। ये लंबा लंबा मैं रखी हूँ, ये भी अभी सीज़न भिंडी है, लेडी फिंगर अभी सीज़न का आ रहा है, तो छोटा छोटा ये एकदम कोची कोची है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए तो ये मैं बनाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ, पहले प्याज कुकर चढ़ा चुकी हूँ, वहाँ देखिए गैस पर कुकर मेरा चढ़ गया, तेल भी डाल दी हूँ मैं। अब मैं इसमें ये मेरा प्याज, ये देखिए ये 3 प्याज है जिसको मैं लच्छा में काट के रखी हूँ, इसको मैं फ्राई करने के लिए डालूंगी। तो मेरा गोश्त है, 1/2 kg गोश्त है, तो मैं बनाऊंगी गोश्त और भिंडी और चावल रात में बनाऊंगी, चना बनाऊंगी, सलाद बनाऊंगी, कच्चा चना बनाऊंगी, ये दाल बनाऊंगी, दाल का पकौड़ा। और स्पेशली मैं बना रही हूँ आज मिनी समोसा, वो मैं आपके साथ स्पेशली शेयर। ये देखिए मेरा ये बॉईल हो गया है, बहुत अच्छा से बॉईल हो गया है मेरा आलू और मटर, जिसको मुझे हल्का सा से मैश करना है। इसको मैं साफ कर लूँ। ये देखिए मेरा बॉईल हो गया है आलू, इसको मैं डाल दी थी, मैं इसमें डाल दूँगी। ये अच्छी मटर भी है, आलू भी है, उसको हल्का से उसको आँच से मैश कर देना है, क्योंकि अभी आलू जल्दी गल नहीं रहा है, इसलिए 3 सीटी 4 सीटी लगाना पड़ रहा है आलू आपको। ये देखिए मैं आलू को मैश कर ली, अच्छे से आलू अच्छी मटर ये मैश हो गया है, ज़्यादा मैश नहीं करना है एकदम चोखा के जैसा, लेकिन फिर भी मैश कर लेना है इसको अच्छा से। मैं इससे मैश की हूँ, अभी कढ़ाई में चढ़ा चुकी हूँ। ये देखिए इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं, बड़ा चम्मच का 2 चम्मच डाली हूँ तेल, इस चम्मच का 2 चम्मच। ये देखिए ये एक प्याज है, एक छोटा सा प्याज है, मीडियम साइज का प्याज है, और हरी मिर्च है जो इसमें मैं तेल गरम हो रहा है इसमें मैं डालूंगी। थोड़ा सा मसाला मुझे देना पड़ेगा, इसलिए ये प्याज इसमें डाल दी हूँ और हरी मिर्च भी दी हूँ, थोड़ा सा प्याज, ज़्यादा प्याज मुझे देना नहीं है, सॉटे करना। अब इसमें जो मसाला डालूंगी वो बता दी, ये सारा मसाला मैं निकाली, सब 1/2 स्पून करके मिर्चा, हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्च सब, क्योंकि नमक मैं बॉईल करने में दी हूँ, आटा में भी दी नमक दी हूँ, इसलिए नमक कम दे रही हूँ। प्याज मेरा हो गया, इसमें डाल दी हूँ, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का मैं छोटा चम्मच का 1/2 स्पून अदरक लहसुन भी 1/2 स्पून ही मैं दी हूँ।
ये थोड़ा मसाला ये हो जाए तो फिर ये आलू मैं इसमें मैश कर दूंगी। हाफ स्पून गरम मसाला दे रही हूँ मैं, मसाला मेरा भुना गया। अब ये आलू जो मैश किया हुआ जो आलू ये रखी हूँ ये मैं उसमें डाल दूंगी। बहुत अच्छे से तेल के ऊपर मेरा मसाला आ गया है, ये देखिए ये मैं सब इसमें गरम मान रही हूँ। ये देखिए ये मैं आलू इसमें डाल दी हूँ। गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिएगा क्योंकि मसालों को अच्छे से उसको मिलाना है। ये देखिए ये इसमें धनिया पत्ता मैं काट के रखी हूँ, थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता मैं इसमें डाल दूंगी। माशाल्लाह इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, कुछ कहने के लिए बहुत अच्छी खुशबू आ रहा है। अब इसको मैं रख दूंगी, इसको अच्छे से मिला के इसको रख दूंगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब तक ठंडा होगा फिर मैं इसका पैटी का समोसे मैदा का ये इसका बनाऊंगी उसमें फिलअप करने के लिए। ये देखिए मेरा हो गया आलू, बहुत अच्छा से गैस को मैं बंद कर दी। इसमें मैं इसी गमला में निकाल दूंगी वापस से कि जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो इसमें टमाटर का पैटी बनाऊंगी, बना के इसमें फिलअप करूंगी। ये देखिए ये मैं लोई छोटा छोटा गोल गोल कर दी हूँ। अब इसको मैं बेलन में इसको बेलने जा रही हूँ। इसको बेलूंगी मैं राउंड शेप में, रोटी के शेप में इसको बेलूंगी। ये देखिए समोसे का पैटी मैं बना रही हूँ, ये गोल गोल बेल रही हूँ। गोल गोल बेल के ये मैदा का मैं लेप बनाई हूँ, मैदा को घोल ली हूँ पानी में डाल के, दो चम्मच मैदा ली हूँ। इसको राउंड से इसमें पूरा ऐसा इसमें लगा देना क्योंकि वे एक दूसरे में चिपक जो चिपक जाएगा तो फिर वो खुलेगा नहीं। इसको ऐसे करके बीच में मैं आलू भरूंगी, ये मसाले वाला जो मेरा आलू है ये आलू मैं बीच में भरूंगी। आप अपना क्वांटिटी का लीजिए, थोड़ा लीजिए ज़्यादा लीजिए, जैसा लेना है आप वैसे ले लीजिएगा। देखिए ये देखिए ये थोड़ा बीच में देखिए लेप लगा ली, ये बीच में मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अब इसको मैं ऐसे करके फोल्ड करूंगी समोसे के पैक में। ये मेरा छोटा छोटा समोसा बनके रेडी। आप ज़्यादा भी आलू ले सकते हैं, आप कम भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी का मतलब बात है। ऐसे छोटा छोटा देखिए स्क्वायर शेप में ये बन गया मेरा। ऐसे करके मैं सारे में बना लूँगी। इसको गोल बेल ली है, इसको देखिए ऐसे करके ब्रश से मैं ये पूरा राउंड में इसको ऐसे कर ले रही हूँ, पूरा राउंड में इसको मैं लगा दे रही हूँ। उसके बाद से मैं ये आलू लूँ के ये आलू ये मेरा जो मसाला वाला जो आलू बनाई उसको मैं बीच में ऐसे ही रख दूंगी। उसके बाद से फिर से मैं इधर साइड में थोड़ा लगाऊंगी कि फ्राई करने का टाइम खुले नहीं, फ्राई करने का टाइम खुले नहीं। ये देखिए उसके बाद से उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा, फिर इस साइड से फोल्ड कर दीजिएगा। देखिए ये आपका समोसा रेडी। ऐसे करके मैं सारे बना लूंगी। आप छोटे बनाइए बड़ा बनाइए आपकी मर्जी, आप जो साइज बनाइए। जब ये बन जाएगा उसके बाद से तेल गर्म होगा, डीप फ्राई कर लेना इसको, खाने बहुत मजे। जैसा कि समोसा हम लोग खाते हैं बहुत से शेप का समोसा, थ्री तिकोना टाइप का होता है वो समोसा हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये मिनी समोसा हो गया, समोसा समोसा है सब चीज़।
ये देखिए ये सारा मेरा समोसा हो गया रेडी। ये देखिए सारा समोसा मेरा रेडी हो गया। इसको मैं अफ्ताह के टाइम में फ्राई करूंगी तेल गरम करके। ये मेरा देखिए सब बन गया समोसा का, मेरा समोसा का ये बन गया। ये देख लिए ये बन गया है। कच्चा चना का सलाद मैं बना के रेडी कर ली हूँ। गुलाब जामुन का शरबत बन गया है। ये सालन बन गया है भिंडी, और गोश्त का सालन बन गया है। रात का मैं शिवरात में चावल बनाऊंगी, और चना बन गया है। ये देखिए ये चना सब बन गया रेडी कर दिया। अब मैं जा रही हूँ असर का नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के आके फिर मैं फ्राई करने का स्टार्ट की। जब तक शरबत को मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। मैं नमाज पढ़ के आके तब फ्राई करूंगी समोसा और प्याजू का कचड़ी। उसको भी फ्रिज में रेडी करके उसको फ्रिज में रखी। असर का नमाज में पढ़ के उठ चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ फ्राई करने। 5:20 हो गया, मैं फ्राई करने जा रही हूँ। ये तेल देखिए कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम हो जाए तेल। देखिए मेरा तेल गरम हो गया। अब मैं इसमें फ्राई करूंगी ये समोसा, आलू समोसा। मेरा तेल गरम हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा बन गया था, तो जो उसको मैं फ्रिज में, ये देखिए ये टिफिन में रख दे रही हूँ। इसको ढक्कन से इसको ढक के इसको फ्राई करके आप बाद में खा सकते हैं। इसको स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। फ्रिज में मैं रख दूंगी। मेरा तेल गरम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार चार करके मैं डाल दी, तेल में डाल दी हूँ। ये फ्राई हो रहा है। ये देखिए मैं फ्राई करके निकाल चुकी हूँ। जो पहले जो मैं अभी दूसरा फिर मैं डाली हूँ, दूसरा फ्राई हो रहा है। ये देखिए मैं पहले वाला निकाल चुकी हूँ और इसमें निकाल दी, दूसरा फ्राई हो रहा है। ये देखिए ये मेरा आलू समोसा, आलू मटर, आलू और मटर का जो समोसा मैं बनाई है मेरा रेडी हो गया है। अब मैं बना रही हूँ, अब मैं कचड़ी बनाने जा रही हूँ। मैं कचड़ी बनाने जा रही हूँ, कचड़ी बनाऊंगी। गैस को मैं स्लो कर रही हूँ। और कुछ आटा बचा था जो मैं नमकीन फ्राई कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी नमकीन की फ्राई करके। देखिए कितना अच्छा हुआ, आवाज़ सुनिए। देखिए इसका आवाज़ सुन रहे कितना अच्छा हुआ है। मेरा नमकीन देखिए फ्राई हो रहा है। वाह, थोड़ा सा मैदा बचा था जिससे मैं नमकीन बना रही। ये देखिए नमकीन तल के मैं निकाल रही हूँ। भी फल भी फ्रूट्स भी करना। मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए ये कचरी, ये प्याज का, चने के दाल का, जिसको मैं अभी फ्राई करूँ। मैं गैस को भी बंद कर दी हूँ, अभी इधर रेडी कर लूँ, उसके बाद इसको फिर तलूँगी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। आप सबको 10वीं रोज़ा मुबारक। अल्लाह हाफिज़।